हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, मेरी यूट्यूब चैनल टेक्नोलॉजी इन हिंदी में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोग के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूं। आज का जो मेरा वीडियो है एसएससी जीडी की जो न्यू रिक्रूटमेंट आने वाली है, आज का मेरा वीडियो इसी से रिलेटेड है। तो रिक्रूटमेंट के बारे में आप लोग को पूरी जानकारी मेरे इस वीडियो मिलने वाली है, वीडियो लास्ट तक देखेंगे। तो ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो इस ठंड के मौसम में कुछ गर्मा गर्म बातें हो जाएं। मेरे स्टेट में जो है, जहां मैं हूं, यहां पे ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है। आप लोग के स्टेट में कैसी ठंड पड़ रही है, क्या है, कैसा मौसम का क्या मिजाज है, ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो अब कुछ गर्मा गर्म बातें हो जाएं कि एसएससी जीडी की जो न्यू वैकेंसी आ रही है, कब आ रही है, कैसे आ रही है, क्या एज वगैरह, इसके ऊपर मैंने प्रीवियस में वीडियो बनाया हुआ है। यदि आप लोगों ने मेरे से चैनल से जुड़े हुए हैं तो आप लोगों को पूरी जानकारी होगी A to Z कि सर ने प्रीवियस वीडियो में क्या क्या बताया है, कितनी वैकेंसी आ रही है और कब तक वैकेंसी आ रही है, मींस क्या डेट है, डेट तक मैंने आप लोगों को बताई हुई है, एज, एजुकेशन वगैरह एवरीथिंग मैंने जानकारी दी है, बुक्स वगैरह तक की जानकारी मैंने आप लोग को दे दी है। सभी के लिंक मैं आप लोग को इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप लोग जो है वन बाय वन करके आप लोग सभी वीडियोज देख सकते हैं जैसी आप लोग की रिक्वायरमेंट हो। तो इसके अलावा बहुत से स्टूडेंट जो है मेरे साथ व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं और यूट्यूब पे भी काफ़ी स्टूडेंट जो है कमेंट वगैरह करते रहते हैं। तो यदि आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े जुड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एसएससी का जो ग्रुप बनाया हुआ है, आप लोग का, आप लोग उससे जुड़ सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक दिया हुआ है। अब बात ये आ रही है कि सर वैकेंसी आपने बता दी, वैकेंसी मार्च अप्रैल में आ रही है, ठीक है, वैकेंसी कितनी आ रही है इसकी जानकारी भी आप लोगों ने दी, आपने दी है, और एज वगैरह के बारे में लेकर के जो है स्टूडेंट बहुत ज़्यादा परेशान है। तो अभी आप लोगों को टेंशन नहीं लेनी है, मैं आप लोगों की पूरी प्रॉब्लम जो है अपने इस वीडियो में कंप्लीट करने वाला हूँ। तो देखिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये बता दूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, आप लोगों की 2018 वाली जो वैकेंसी है ये बिल्कुल फिनिश हो चुकी है, मीन्स इसके DME RME कंप्लीट हो चुके हैं। कुछ प्रोसेस अभी रह रहा है, वो भी आप लोग का कंप्लीट होने वाला है, और इसके बाद जो है आप लोग का फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाएगी। फाइनल जो मेरिट लिस्ट मैंने आप लोग को बताई है दिसंबर लास्ट में और जनवरी स्टार्टिंग में, यानी कि दिसंबर जनवरी आप लोग की मेरिट लिस्ट लग जाएगी, बिल्कुल कन्फर्म है। तो इसके बाद फिर आप लोग के ज्वाइनिंग लेटर वगैरह आने लगेंगे, जैसे जैसे टाइम होगा उस प्रकार से आप लोग को जो ज्वाइनिंग लेटर आएंगे आप लोग को बुलाया जाएगा, ठीक है। तो ये 2018 की वैकेंसी जैसे जैसे कंप्लीट हो रही है, आप लोग के जो है कमेंट्स आ रहे हैं कि सर वैकेंसी कब आ रही है। तो वैकेंसी तो आ रही है, लेकिन इससे ज़्यादा स्टूडेंट परेशान इस चीज़ को लेकर के, जिनका प्रीवियस एसएससी जीडी में नहीं हो पाया है, या फिर जो अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, एज ऊपर निकल रही है कि सर एज के बारे में बताइए कि एज क्या इसकी रहने वाली है, और यदि एज में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो सर एज को कम करवा दीजिए, मींस कुछ ऐसा कीजिए कि 2020 में जो है आप मींस से जो एज काउंट की जाए इस तरीके से। तो देखिए, सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं, मैं आप लोग के साथ हूं, जो मेरे से पॉसिबल हुआ मैं आप लोग के लिए करता हूं। जी हाँ, शायद आप लोगों को ना पता चले, लेकिन जो भी मेरे से पॉसिबिलिटी होती है, जो भी मैं कर सकता हूं मैं आप लोग के करता हूं, चाहे वो इंक्वायरी से रिलेटेड हो या फिर कुछ आप लोग के बारे में कुछ भी करना हो, चाहे मेल करना हो, कुछ भी करना, A to Z मीन्स मैं आप लोग के लिए सब कुछ करता रहता हूँ पर्दे के पीछे, ठीक है। अब इसके अलावा बहुत से स्टूडेंट ये भी कहते हैं कि सर RTI लगा दीजिए। अरे मेरे भाई, RTI से कुछ नहीं होने का, RTI सब बेकार की चीज़ है। यदि मुझे RTI ही लगानी होती तो मैं YouTube चैनल नहीं चला सकता। आप लोग को पता होना चाहिए RTI से जो है डिफेंस से रिलेटेड कोई भी इस प्रकार की जानकारी नहीं दी जाती है, आप लोगों को मना कर दिया जाता। तो RTI मैं आप लोगों से बिल्कुल रियल बात बोल रहा हूँ, मैंने जब से YouTube चैनल स्टार्ट किया मैंने एक बार भी कभी RTI नहीं लगाई। जी हाँ, मैंने कभी RTI नहीं लगाई, क्योंकि मैं जानता हूँ क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशन है, क्या RTI का मेरा जवाब आएगा, और मैं अगर RTI के जवाब का इंतजार करता रहूं तो ये समझ के चलो कि मैं तो कभी वीडियो बना ही नहीं पाऊंगा। तो RTI से मुझे कोई मतलब नहीं रहता। अगर RTI ही है तो आप लोग लगाइए, इतने स्टूडेंट है, लगाते रहिए, देखते रहिए, उनके कोई जवाब आप लोग को मिलने वाली है। मेरे जो आप लोग के जो भी मैं आप लोग के लिए वीडियो बनाता हूँ वो मेरे अलग ही चीज़ें हैं, ठीक है। RTI से मुझे कोई मतलब नहीं है। तो अब मैं आप लोग को बता दूं कि आप लोग का 2018 फिनिश, मानिए आप लोगों का सारा सिलेक्शन हो गया, ठीक है। न्यू वैकेंसी आप लोग की आ रही है मार्च, 25 मार्च मैंने आप लोगों को डेट बताई है, 25 मार्च बिल्कुल विभाग ने तय कर रखा है, ठीक है। 25 मार्च के हिसाब से प्रोसेस चल रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने जो है पूरा टाइपिंग करके रख दिया है अब जो बिल्कुल वायरल करना, जी नहीं, मीन्स विभाग ने जो डेट तय की है 25 मार्च तय की गई है, तो 25 मार्च तक जो है उनका प्रोसेस हो जाएगा। प्रोसेस होते ही आप लोग का जो ये डेट निश्चित की गई है, इसमें आप लोग का जो नोटिफिकेशन आ जाएगा SSC की वेबसाइट पे।
तो मार्च अप्रैल जो है 2021 आप लोग के एसएससी जीडी 2021 के लिए बिल्कुल फिक्स है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिए, इस डेट को कोई नहीं हिला सकता। यदि कोई बहुत ही मेजर प्रॉब्लम होगी तो हो सकता है कुछ चेंजेस इसमें आ जाए, नहीं तो आप लोग 100% मान के चलिए कि आप लोग की मार्च अप्रैल में वैकेंसी आने वाली है। वैकेंसी कितनी आएगी तो देखिए, इसकी जानकारी भी मैंने आप लोग को दी है। 75,000 प्लस वैकेंसी आप लोग की है। 75,000 पहले जो इसमें वैकेंसी आ रही थी, 56,000 प्लस वैकेंसी आती है। वैकेंसी सीआरपीएफ जो नोडल एजेंसी थी, उन्होंने जो कुछ रिक्रूटमेंट रोक के रखी हुई थी, अपनी डाटा नहीं दिए थे। इसके बाद जैसे जैसे मीन्स कलेक्शन हुए आप लोगों को, तो 75,000 वैकेंसियां आप लोग की इस वक्त कलेक्ट हो चुकी हैं। तो 75,000 प्लस वैकेंसियां आप लोग की रखी हैं। इसके अलावा भी जो एसएससी जीडी में जो अभी वैकेंसियां अभी जो फील होने वाली 2018 की कुछ वैकेंसियां जो रहेंगी, और इसके अलावा अभी और भी कुछ वैकेंसियां आप लोग की बढ़ने वाली हैं। तो मैं आप लोग को बिल्कुल एक अप्रोक्सीमेट बताऊं तो 75,000 फिक्स है, लेकिन मेरी तरफ से आप लोग मान के चलिए कि 80 प्लस आप लोग की वैकेंसी रहेगी। जी हाँ, 80,000 प्लस वैकेंसी रहेगी। और इसके अलावा जब आप लोगों का रिक्रूटमेंट चलता है उसमें कुछ वैकेंसियां बढ़ती हैं घटती हैं, तो इसकी तो जानकारी अभी किसी को भी नहीं है, विभाग को भी नहीं है, किसी को भी इसकी जानकारी नहीं है। ठीक है, वैकेंसियां बहुत अच्छी हैं। वैकेंसी यदि आप लोग 10th पास है इसमें अप्लाई कर सकते हैं, नॉर्मल कुछ भी आप लोग को नहीं चाहिए। ठीक है, आप लोग 10th पास हैं आप लोग इसमें अप्लाई कीजिए, मेल फीमेल दोनों ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं, किसी को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। अब इसमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है एज को लेकर के, एजुकेशन मैंने आप लोग को बता दिया, एज को लेकर के काफी स्टूडेंट परेशान है कि सर एज क्या होगा, मीन्स हम तो बिल्कुल किनारे पे, प्रीवियस वाले में भी हमारा नहीं हो पाया, कुछ किसी तरीके से बताइए सर क्या एज। तो देखिए बिल्कुल आज का मेरा वीडियो का जो पूरा फोकस है इसी पे ही है, एज पे ही। आज एज को मैं बिल्कुल क्लियर कर देता हूं आपको। तो बहुत से स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर अगस्त 2020 एज रहेगी क्या इसकी, कोरोना की वजह से काफी डिले हो गया, ये हो गया। तो देखिए भाई, जो मुझे जानकारी है ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, कोरोना से वजह से डिले हुआ या किसी वजह से डिले हुआ, डिले से इससे कोई मतलब नहीं है। आप लोगों का जो प्रोसेस चल रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि प्रोसेस रोक दिया गया, सारी वैकेंसियां रोक दी गई, सारी भर्तियां रोक दी, ऐसा कुछ नहीं, सब कुछ चल रहा है। तो कोरोना से कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। वैकेंसी 3 साल डिले हुई है, 2 साल डिले हुई है, 1 साल डिले हुई है, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, क्योंकि सभी विभागों के प्रोसेस चल ही रहे हैं और ऐसे ही चलता रहता है। तो 2020 अगस्त 2020 में आप लोग का जो है डेट नहीं रहने वाली, एज की जो डेट आप लोग की अगस्त 2020 से काउंट नहीं होगी। बिल्कुल कंफर्म और रियल इंफॉर्मेशन दे रहा हूं जो कि मुझे जानकारी है। यदि आप लोग मेरे चैनल से जुड़े होंगे तो आप लोग को पता होगा कि सर बिल्कुल सटीक जानकारी देते हैं। तो अगस्त 2020 आप लोग भूल जाइए, अगस्त 2020 की तो कोई बात ही नहीं है कि आप लोग के अगस्त 2020 से जो है आप लोग की एज काउंट होगी। आप लोग की एज जो काउंट होने वाली है वो 2021 से ही काउंट होगी, और 1 जनवरी 2021 से ही काउंट होनी है, इसकी जानकारी मैंने आप लोग को दी है। 90% आप मान के चलिए 1 जनवरी 2021 से ही आप लोग की एज काउंट होगी, यही जो है अभी तक जो प्लानिंग की गई है। लेकिन अभी जो है इसमें कुछ चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, ऐसी कुछ हलचल हो रही है कि आप लोग की जो एज है 1 अगस्त 2021 से भी काउंट हो सकती है। तो यानी कि 1 जनवरी 2021 या फिर 1 अगस्त 2021 भी यहां पे आप लोग की एज जा सकती है काउंटिंग के लिए। 90% आप लोग के 1 जनवरी ही है, लेकिन 1 अगस्त भी आप लोग की जो है एज यहां पे काउंट की जा सकती है। मैंने आप लोग को बताया है, नोटिफिकेशन अभी जो है प्रोसेस चल रहा है, स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन ऐसी हलचल दिख रही है विभाग में कि आप लोग की एज जो है 1 अगस्त से भी यहां पे काउंट की जा सकती है। 1 अगस्त 2021, 20 का कुछ भी रहने वाला नहीं है, आप लोग इस चीज को भूल जाइए, 21 में ही होगा। या तो आप लोग की 1 जनवरी 2021 रहेगी, 90% चांस है, लेकिन अभी जो प्रोसेस में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, मुझे लग रहा है कि 1 अगस्त 2021 भी आप लोग की एज काउंट हो सकती है, ऐसा चल रहा है। क्योंकि आप लोग का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, अब 25 अप्रैल 2021 में आप लोग की जो है वैकेंसी आनी है, नोटिफिकेशन आना है, पूरी तरीके से आप लोग का काम चल रहा है। 2018 वालों का फिनिश हो चुका है, मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ। तो आज का जो मेरा वीडियो बनाने का सिर्फ और सिर्फ यही मकसद था कि मैं आप लोग को एज के बारे में बता दूँ। तो यदि आप लोग की 1 जनवरी भी आप लोग मान के चलिए, ठीक है, 1 जनवरी 2021
सेबी एज अकाउंट हो रही है, और इससे यदि आप लोग एवब हो चुके हैं तो आप लोग एसएससी जीडी के लिए जो है नहीं अप्लाई कर पाएंगे, यानी कि आप लोग इसके लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। तो मैं आप लोग को बस एक आप लोग को एक जानकारी ही दे रहा हूं कि आप लोग अब इसके भरोसे बैठने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 2020 का कुछ भी रहने वाला नहीं है, ठीक है, जो होगा 2021 का ही होगा, और 1 जनवरी 2021 को मान के चलिए। लेकिन कुछ हलचलें ऐसी हो रही हैं कि अगस्त की डेट भी आप लोग के नोटिफिकेशन में आ सकती है। जैसा होगा मैं आप लोग को जल्द ही इसका नोटिस मुझे प्राप्त होगा, आप लोग को पूरी जानकारी दूंगा, क्योंकि मैंने आप लोग को बता दिया है प्रोसेस चल रहा है। और जब प्रोसेस चलता है विभाग में डाटा कलेक्ट किए जाते हैं, सभी एंट्रियाँ होती हैं, क्या करना है कैसे करना है, तो ये सब चीज़ें उठती हैं, ये सब सवाल उठते हैं वैकेंसी के बारे में, एज के बारे में, तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो यही इस वक्त विभाग में चल रहा है। तो ये दो डेट मैंने आप लोग को बता दिए, ठीक है। बट मैं अपनी तरफ से जो मुझे मतलब इन्फॉर्मेशन है, जो मुझे लगता है, वो 1 जनवरी 2021 ही होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स ये थी आज की न्यूज़, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट परेशान है कि सर मार्च में की मार्च की डेट रहेगी, अप्रैल की डेट रहेगी, अप्रैल से एज काउंट होगी, अगस्त से, सितंबर से, तो ऐसा कुछ नहीं है। या तो 1 जनवरी होगी या फिर आप लोग की 1 अगस्त ही रहेगी, अगर कोई चेंजेस होती है तो, चांसेस कम है वैसे। और इसके अलावा आप लोग को एज के बारे में मैंने बता दिया, और इसमें आप लोग का सिलेक्शन होता है। सबसे पहले इसमें एसएससी जीडी में जो है आप लोग का रिटर्न होता है, रिटर्न के बाद आप लोग का फिजिकल, फिजिकल के बाद ही आप लोग का जो है इसमें मेडिकल होता है, मेडिकल के बाद आप लोग की ज्वाइनिंग होती है, ठीक है। तो रिटर्न के बारे में आप लोग को मैंने बताया हुआ, मेरे प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, सिलेबस की पूरी जानकारी मिल जाएगी, बुक्स की पूरी जानकारी आप लोग को मिल जाएगी। इसमें आप लोगों को हिंदी इंग्लिश में से एक सब्जेक्ट, मैथ, रीजनिंग और आप लोग का जीके इसमें आप लोग की आती है, ठीक है। 25-25 नंबर के होते हैं आप लोग का, जो पूरे 100 नंबर का यहाँ पे पेपर आप लोग का होता है। ट्रेड टेस्ट जो मीन्स आप लोग का जो इसमें आप लोग का फिजिकल होता है, फिजिकल की भी जानकारी आप लोग को उससे मिल जाएगी, ठीक है। फिर भी मैं आप लोग को बताता हूँ, यदि आप लोग जनरल एससी ओबीसी से हैं तो 170 आप लोग की हाइट होनी चाहिए, मेल कैंडिडेट, फीमेल कैंडिडेट की 157 यहाँ पे होनी चाहिए जनरल एससी ओबीसी वालों की। एसटी वाले मेल कैंडिडेट हैं तो 162.5 होनी चाहिए, एसटी वाली फीमेल कैंडिडेट है तो 150 यहाँ पे आप लोग की हाइट होनी चाहिए। और इसी प्रकार से आप लोग के चेस्ट वगैरह हैं, आप लोग वीडियोस देख लीजिए, उसमें पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। गढ़वाली, कुमाऊं, गोरखा, डोगरा, मराठा कैटेगरी से आते हैं, उनके जो स्टेट वगैरह से आते हैं उनके क्या है, पूरी जानकारी उसमें मिल जाएगी, सिलेबस से लेकर के पूरी। तो आज का जो मेरा वीडियो था, सिर्फ और सिर्फ आप लोग को मेन मेरा जो था इसकी जानकारी देनी थी कि आप लोग की एज को लेकर बहुत ज़्यादा स्टूडेंट कन्फ्यूज हैं। देखिए किसी की आप लोग बहकावे में मत रहिए, कुछ मत रहिए, 2020 से काउंट नहीं होगी, होगी 21 से ही, और 1 जनवरी 2021 को मान के चलिए। लेकिन अभी जो प्रॉब्लम चल रही है, अगस्त भी आप लोग की हो सकती है, 1 अगस्त 2021 से भी काउंट हो सकती है, तो अभी क्लियर नहीं हो पा रहा है। जैसा होगा मैं आप लोग को बताऊंगा, लेकिन 2020 आप लोग भूल जाइए, ठीक है। यही दो डेट है, यही दो डेट आप लोग की रहने वाली है। इसके अलावा कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछिए, मैं आप लोग को पूरी जानकारी देता रहूंगा जब तक कि आप लोग के वैकेंसी नहीं आ जाती। A to Z सभी डाउट्स आप लोग के मैं क्लियर कर दूंगा, टेंशन की जरूरत नहीं है आप लोग को। तो अभी मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा, जाने से पहले ये कहूंगा, यदि चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन वाले बटन को जरूर दबाइए, ताकि इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोग के लिए लाता रहूं। ओके फ्रेंड, बाय, थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम।